हाय गाइस, मैं हूं नेहा और आज इस वीडियो में हम जानेंगे FSSAI के बारे में। FSSAI क्या होता है एंड इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी डिटेल में इन्फॉर्मेशन आज हम आपको इस वीडियो में देंगे, सो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, यदि आप इंडिया में फूड रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइसेंस होता है FSSAI का। FSSAI की स्थापना खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम ईयर 2006 में किया गया था। इसका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य खाद्य सामग्री के लिए विज्ञान पर आधारित मानकों का निर्माण करना और खाद्य पदार्थों के मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिलीवरी, सेल एक्सेट्रा को नियंत्रण करना है, ताकि ह्यूमन कंजप्शन के लिए सुरक्षित और संपूर्ण खाद्य पदार्थ की उपलब्धि कराना होता है। FSSAI का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में भारत खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के नाम से भी जाना जाता है। फसाई रजिस्ट्रेशन नंबर 14 डिजिट का होता है जो फूड पैकेट पर प्रिंटेड होता है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ऑल इंडिया में FSSAI के 8 ऑफिसेज है, जो कि दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, गुवाहाटी, मुंबई, कोलकाता, कोचीन और चेन्नई में है। इसके अलावा पूरे देश में 76 लेबोरेटरीज हैं। FSSAI द्वारा किन किन चीज़ों के लिए लाइसेंस प्रोवाइड करवाती है? FSSAI खाने वाली हर चीज़ के लिए लाइसेंस प्रोवाइड कराती है, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट, सब्जी उत्पाद, मांस उत्पादक, नमक मसाला उत्पादक, पेय पदार्थ और अन्य खाने वाली सभी सामग्री। FSSAI लाइसेंस लेना किसे ज़रूरी है? अगर आप फूड से रिलेटेड खाने या पीने वाली चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इसके लिए आपको फूड लाइसेंस बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं तब भी आपको इसका लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बिना आप फूड का बिजनेस या ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर सकते। FSSAI लाइसेंस 3 तरह के होते हैं और यह डिपेंड करता है आपके सालाना टर्नओवर पर। पहला लाइसेंस होता है बेसिक लाइसेंस। यह लाइसेंस तब लिया जाता है जब आपकी कंपनी का एनुअल सालाना टर्नओवर 12 लाख से कम हो। इसमें अपना अपना प्रोडक्ट पूरे देश में आप बेच सकते हो। दूसरा लाइसेंस होता है स्टेट लाइसेंस। ये लाइसेंस तब लिया जाता है जब आपका टर्नओवर 12 लाख से 20 करोड़ तक हो जाता है। इसमें आप अपना प्रोडक्ट पूरे देश में सेल कर सकते हैं। तीसरा होता है सेंट्रल लाइसेंस। अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा है या आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को डील करते हो, तब आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ता है। कोई भी फूड रिलेटेड बिजनेस शुरू करने से पहले FSSAI लाइसेंस ज़रूर ले लें, ताकि आप पेनल्टी से बच सकें। लाइसेंस लेने के बाद में ही आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें। दोस्तों, FSSAI से जुड़े कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे होंगे, तो वो क्वेश्चन के आंसर मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कराऊंगी। FSSAI लाइसेंस धारक को किस टाइप की शिकायतें मिल सकती है? खाद्य पदार्थ में मिलावट की शिकायत, भोजन का दूषित होना, लेबलिंग और पैकेजिंग में शिकायत, लाइसेंस और पंजीकरण संबंधी शिकायत, नकली उत्पाद की शिकायत, खाद्य उत्पादकों की क्वालिटी रिलेटेड शिकायत। कोई कंज्यूमर अपनी शिकायत या शिकायत कैसे दर्ज कर सकता है? कंज्यूमर बहुत सारे चैनलों के माध्यम से FSSAI से कांटेक्ट कर सकते हैं। उपभोक्ता खाद्य सुरक्षा के मुद्दों पर मिलावटी भोजन, असुरक्षित भोजन, घटिया भोजन, भोजन के दोषों का लेबल लगाने और भ्रामक दावों और विभिन्न खाद्य उत्पादों से संबंधित एड्स के बारे में अपनी शिकायतें और प्रतिक्रियाएँ दर्ज कर सकते हैं। चैनल जिसके माध्यम से उपभोक्ता FSSAI से जुड़ सकते हैं। क्या यह आवश्यक है कि लेबल पर खाद्य उत्पादक का नाम ठीक उसी तरह होना चाहिए जैसा कि FSSAI लाइसेंस के अटैचमेंट में आउटलाइन होता है? लेबल पर आउटलाइन खाद्य उत्पादकों के नाम के बारे में FBO को खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2020 और समय समय पर खाद्य प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए किसी भी अन्य दिशा निर्देशों के प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। यह स्पष्ट किया गया है कि नियमों के एफोर्सेट प्रोविजन का अनुपालन करते हुए लेबल पर खाद्य उत्पादक का नाम FSSAI लाइसेंस के अटैचमेंट में उल्लिखित नाम से साथ वेरिएंट पर हो सकता है। हालांकि भोजन के नाम को पैकेज में इम्प्लाइड भोजन की वास्तविक प्रकृति का संकेत देना चाहिए और खाद्य सुरक्षा और मानक रेगुलेशन 2020 के सब रेगुलेशन का पालन करना चाहिए। उपभोक्ता को FSSAI की इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज़ के बारे में जानकारी कहाँ से मिल सकती है? उपभोक्ताओं को FSSAI की इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज़ के बारे में जानकारी इस वेबसाइट से मिल जाएंगी। FSSAI का उद्देश्य क्या है? FSSAI को भोजन के लेखों के लिए विज्ञान आधारित मानकों को बिछाने और उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने और मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की अवेलेबल सुनिश्चित करने के लिए बनाया जाता है। FSSAI के CEO कौन है? श्री अरुण सिंघल, IAS चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। FSSAI में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? उम्मीदवार जो सरकारी नौकरियों की तलाश कर रहे हैं, वे नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण में शामिल होने के लिए भाग ले सकते हैं।
FSSI के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है? हस्ताक्षरित आवेदन पत्र, पासपोर्ट के आकार की तस्वीरें, आवेदक की पहचान पत्र, संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण, निवास प्रमाण पत्र, व्यवसाय का पता प्रमाण, रेंट एग्रीमेंट, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली योजना। सो फ्रेंड, इस वीडियो में मैंने आपको बताया FSSI के बारे में। आई होप आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट करें, ताकि जब भी मैं बिज़नेस रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। सो फ्रेंड, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।